पूर्व एमएलसी हाजी और चर्चित खनन माफिया इकबाल और उसके परिवार पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कसने में जहां एक और कामयाबी हासिल की है, वहीं पुलिस ने हाजी इकबाल के बड़े बेटे वाजिद को भी गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाजिद दिल्ली से दुबई फरार होने की फिराक में था। एयरपोर्ट से ही पुलिस की टीम ने वाजिद को दबोच लिया। पूर्व एमएलसी और चर्चित खनन माफिया हाजी इकबाल के पुलिस ने उनके परिवार व रिश्तेदार के दर्जन भर से अधिक सदस्यों को जेल भेज चुकी है। वहीं पुलिस ने हाजी इकबाल के बड़े बेटे वाजिद को गिरफ्तार कर लिया। ये अभियुक्त वाजिद गिरफ्तार किए गए हैं सहारनपुर पुलिस के द्वारा। इनके विरुद्ध 50,000 का इनाम भी घोषित था और इनके विरुद्ध तकरीबन 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न थानों पर और ये वांछित चल रहे थे। ये हाजी इकबाल जो कि प्रदेश स्तर के खनन माफिया हैं, उनके पंजीकृत गैंग के सदस्य हैं, उनके पुत्र हैं और इनका स्टेटशीट भी खुला है और ये इनके खिलाफ पुलिस ने विभिन्न कार्रवाइयाँ कर रखी थी और ये वांछित चल रहे थे। 50,000 रुपये का इनाम था इनके ऊपर। कल रात्रि में इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई जाने का प्रयास किया, जिस पर कि वहाँ इनको रोका गया और पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची। इनके विरुद्ध सहारनपुर पुलिस द्वारा लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था पहले से, जिसके चलते इनको रोका गया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। आज इनको जेल भेजा जा रहा है जो वांछित मुकदमे हैं उनमें, और इनके खिलाफ आगे जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही इनसे पूछताछ के दौरान जो लोगों की जानकारी प्राप्त हुई है उनकी भी जानकारी की जा रही है और इनके साथीगण जो फरार हैं उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। जिसमें इनसे पूछताछ की जा रही है, फिलहाल इनका ये बताना है कि ये अलग जगह थे और इनके पिता अलग जगह हैं, इन्हें जानकारी नहीं है, परंतु हम इलेक्ट्रॉनिक और मुखबिरी के आधार पर जानकारी कर रहे हैं। ये जहाँ थे वहाँ आसपास जानकारी की जाएगी, इनके परिजनों से पूछताछ की जाएगी और उसी के आधार पर आगे शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी की जाएगी। दिल्ली में कहाँ छिपकर रह रहे थे? जी, फिलहाल इनका कहना था कि ये किसी अन्य जनपद में थे जहाँ से कि ये दिल्ली गए अपने साथियों की मदद से, और वहाँ से इन्होंने एयरपोर्ट से निकलने का प्रयास किया जिस दौरान ये पकड़े गए हैं। जहाँ ये छुपे थे और किन के साथ किन किन ने इनका सहयोग किया है उसकी जानकारी इन्होंने पुलिस को दी है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।